गाड़ियों के निर्धारित प्लेटफार्म पर न आने के संबंध में स्टेशन पर स्टॉल लगाने वाले ठेकेदारों का प्रदर्शन। रेलवे स्टेशन पर स्टॉल लगाने वाले ठेकेदारों द्वारा रेलवे स्टेशन मास्टर द्वारा निर्धारित गाड़ियों के आने पर स्टॉल न लगाए जाने के संबंध में समस्त स्टॉल ठेकेदारों ने रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शन करते हुए अपनी मांगों को लेकर एक पत्र मंडल वाणिज्य प्रबंधक उत्तर रेलवे मुरादाबाद को सौंपा। पत्र के माध्यम से पावर केबिन एवं स्टेशन मास्टर पर आरोप लगाते हुए कहा कि स्टेशन पर लगने वाले समस्त स्टॉल ठेकेदार प्लेटफार्म नंबर 2 और 3 पर स्टॉल लगा रहे हैं, लेकिन पावर केबिन व स्टेशन मास्टर प्लेटफार्म नंबर 4 और 5 के सभी ठेकेदार द्वारा प्लेटफार्म नंबर 2 और 3 की निर्धारित गाड़ियों को प्लेटफार्म नंबर 4 और 5 पर लाने के लिए पावर केबिन व स्टेशन मास्टर को 1600 रुपये प्रति गाड़ियां देते हैं, जिससे प्लेटफार्म नंबर 2 और 3 की निर्धारित गाड़ियां प्लेटफार्म नंबर 4 और 5 पर चली जाती हैं। 2 और 3 प्लेटफार्म पर जानबूझकर मालगाड़ियां खड़ी कर देते हैं, जिससे 2 और 3 प्लेटफार्म पर स्टॉल लगाने वाले ठेकेदार को आर्थिक परेशानी से गुजरना पड़ता है। प्लेटफार्म नंबर 2 और 3 के स्टॉल लगाने वाले ठेकेदारों ने मंडल वाणिज्य प्रबंधक उत्तर रेलवे को पत्र देकर पहले भी कई बार अपनी परेशानी जाहिर की जा चुकी है, लेकिन इस बारे में किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई। इसलिए प्लेटफार्म नंबर 2 और 3 पर लगाने वाले स्टॉल ठेकेदार परेशान हो गए, प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो गए। उन्होंने बताया कि उनका परिवार भुखमरी की कगार पर आ गया है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले समय में स्टॉल बंद करने होंगे। स्टॉल लगाने वाले ठेकेदारों ने पावर केबिन व स्टेशन मास्टर पर आरोप लगाते हुए कहा कि जल्दी अगर कोई सुनवाई नहीं हुई तो वे आत्महत्या करने के लिए मजबूर होंगे, जिसकी जिम्मेदारी पूर्ण रूप से पावर केबिन व स्टेशन मास्टर की होगी। प्रदर्शन करने वालों में वेद प्रकाश मिश्रा, नासिर हुसैन, अंबर फूड्स, ब्रजेश चंद्र सैनी, राजेंद्र सैनी, चंद्रमोली मिश्रा, अमित सिंह आदि स्टार्ट ठेकेदार मौजूद रहे। अरे प्रदर्शन इसलिए किया जा रहा है कि जो भी गाड़ियां प्लेटफॉर्म नंबर 2-3 पर निर्धारित हैं वो नहीं आ रही हैं। सारी गाड़ी 4-5 पर चली जा रही है। 4-5 के जितने भी सभी ठेकेदार हैं पावर केबिन को प्रति गाड़ी के 1600 रुपये देते हैं, जिसके कारण हमारी जो निर्धारित गाड़ियां हैं 2-3 पर नहीं आ रही हैं और जिसके कारण हमारी सेल नहीं हो पा रही। हम लोग बहुत परेशान हैं और बहुत ज़्यादा तकलीफ से गुजर रहे हैं। हमारी जो किराया है स्टॉल का वो भी नहीं निकल पा रहा है। क्या परेशानियाँ हैं? परेशानियाँ ये है कि सब जो हमारी निर्धारित गाड़ी है कम से कम 2-3 पे जो उस पर एज पर बबलिंग चार्ट होता है SS साहब के पास, उसके अकॉर्डिंग हमारी गाड़ी आनी चाहिए। तो क्या आपकी मांगे हैं? मेरी मांगे यही है सर, जो प्लेटफॉर्म नंबर 2/3 की निर्धारित गाड़ियाँ हैं उसमें आनी चाहिए सर, बस यही मांगे सर। रेलवे अधिकारी की शिकायत की आपने? रेलवे अधिकारी में स्टेशन अधीक्षक CMI साहब और इन लोगों से सबसे मैं शिकायत कर चुका हूँ, लेकिन एक बार कार्रवाई हुई, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब क्या चाहते हैं आप? अब मैं ये चाहता हूँ सर जो निर्धारित गाड़ी है 2-3 पे आए, उससे हम सुचारू रूप से अपनी स्टॉल चला सकें। ठीक है। नहीं, ये ऐसा लोग कह रहे हैं तो हम पता करते हैं किस बेस पे कर रहे हैं। आपको भी पता है कि जो भी गाड़ी प्लेटफार्म पे आनी होती है पहले से डिसाइड है कि ये गाड़ी प्लेटफार्म 1 पे आएगी, 2 पे आएगी, 3 पे आएगी। अगर कोई प्लेटफार्म चेंज होता है तो उसको सबको बताया जाता है, 1 घंटे पहले 2 घंटे पहले बता दिया जाता है ऐसा, जबकि चेंज हमारी जानकारी में कोई भी प्लेटफार्म चेंज का केस नहीं आया है। आपको जो शिकायत कर रहा है वो किस वजह से कर रहा है इसको हम जाँच कराते हैं। इसी नहीं, जो ट्रेनें जिस प्लेटफार्म के लिए डिसाइड होती हैं आपको सिस्टम से पता चल जाता है, बहुत सारे तरीके हैं। आपको साइन बोर्ड बाहर रहता पता रहता है कि क्योंकि ट्रेनें कम हो गई हैं, इसलिए उनका यह होगा कि अगर ट्रेनें नहीं चल रही तो उसमें से तो मालगाड़ी हम चलाएंगे ही, मालगाड़ियों से उनका आवागमन उसके लिए रखा गया। अगर ट्रेनें कम हैं हमारे पास, कम चल रही हैं, पैसेंजर भी कम चल रही हैं, तो वो उस प्लेटफार्म से पर्टिकुलर होकर नहीं जा रही हैं। इस तरह की समस्या इन्हीं 2 महीनों में आई, क्योंकि आप नवनियुक्त हैं, आपकी जानकारी में मुमकिन है कि ना हो, लेकिन उनका ये कहना है कि अभी 2 महीने से इस तरह की समस्या। अगर ऐसी कोई समस्या वास्तव में है हम उनको बुलाते हैं और उनसे समझते हैं। कभी हमारे पास तो ऐसा कोई नहीं आया, आपके सामने ही देख रहे हैं लोग आ रहे हैं, आपसे भी मिल रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं, कोई ऐसा केस नहीं आया कि कोई हमसे मिलना चाहे और हम न मिल पाए हो, या प्रशासन का कोई भी आदमी जो मिलना चाहे न मिल पाए। तो और जहाँ तक आरोप लगाने का है, आप देखिए किस तरह का मैसेज देना चाहेंगे वेंडर्स के लिए, आप कहते हैं? नहीं, उनकी समस्याएं भी इसलिए हैं कि कोविड था, ट्रेनें कम चल रही थी, स्टॉपेज कम ट्रेनों के थे, पैसेंजर कम हैं, रिजर्व ट्रेनें जो हैं वही चल रही हैं, रिजर्व पैसेंजर चल रहे हैं, तो फुटफॉल हमारा कम हुआ है, उनकी अर्निंग प्रभावित हुई है। उसी के जो वेंडर हैं उनकी हमने लाइसेंस फीस भी तो कम कर दी है, जो पहले हम 100 रुपये लेते थे अब उसका 30% ले रहे हैं, कहीं 20% ले रहे हैं, कहीं 40% ले रहे हैं, तो उनको रियायतें टाइम पर हमने कमेटी बना के उनको रियायतें दी हैं। आगे भी अगर समस्या रहेगी, देशव्यापी समस्या, विश्वव्यापी समस्या है, तो इसमें उनके साथ
सहानुभूतिपूर्ण विचार होगा, जो भी रूल और रेगुलेशन से होगा वो किया जाएगा और वो अपनी बातें।